आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर फिरोजाबाद पुलिस ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का फांडाफोड़ किया है। पुलिस मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 400 लीटर सिंथेटिक दूध और दूध बनाने के उपकरण बरामद किया। पुलिस हिरासत में खड़ा शख्स मीठे शहर का सौदागर है, नाम है प्रदीप कुमार। शनिवार को फिरोजाबाद के थाना फरिया पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर जांच गांव रानीपुर छापा मारकर कार्रवाई कर नकली दूध डेयरी का कारोबार भांडाफोड़ किया। देखिए थाना फरिया के जो अंडर ट्रेनिंग सीओ हैं जिनको वहाँ का चार्ज मिला है, उनको और वहाँ पे जो नियुक्त एसओ हैं, इन दोनों को सूचना मिली कि इनके एक गांव में जिसका नाम रानीपुर है वहाँ पे बड़े पैमाने पर मिल्क तैयार किया जा रहा है जो अपमिश्रित है, एडल्ट्रेटेड मिल्क वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, डिटर्जेंट और जो ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ करके काफ़ी मात्रा में ये सिंथेटिक दूध तैयार करके और यहाँ से लेकर के NCR तक उस दूध का सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर टीम गई, वहाँ पे एक व्यक्ति को इन लोगों ने अरेस्ट किया। इस पूरी टीम के साथ हम लोगों ने जो है कि फूड एडल्ट्रेशन रोकने वाली टीम है, इनके मेंबर्स भी लिए थे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम और ये पुलिस दोनों ने एक संयुक्त रूप से वहाँ पे दबिश दी। उसमें हम लोगों ने एक व्यक्ति को वहाँ मौके से अरेस्ट किया, इसका नाम प्रदीप यादव है। दो, एक मनोज और एक मुनीश, दोनों मौके से फरार हो गए, इसमें एक प्रदीप का भाई भी है। और उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ छानबीन की तो वहाँ से लगभग 400 लीटर एडल्ट्रेटेड मिल्क मिला और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो क्रीम्स वगैरह होते हैं, बाकी केमिकल्स होते हैं जिसको यूज़ करके और ये बना रहे थे, वो हम लोगों ने वहाँ से सीज किया है। वहाँ से बहुत सारे एम्प्टी डब्बे मिले हैं जिस डब्बों में पैक करके और ये चारों तरफ सप्लाई करते थे। इस पूरे नेटवर्क में और जो लोग भी शामिल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। बाकी जो दो मुलजिम भागे हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। और ये नकली दूध का कितने वर्षों से काम करते थे? क्योंकि इनके बारे में ये जानकारी हुई है कि लगभग 10 सालों से ये एडल्ट्रेटेड मिल्क बनाते थे और जो केमिकल्स यूज़ करके, और उसके बाद दिल्ली से लेकर के आसपास के तमाम जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे और पर डे लगभग 500 लीटर दूध इस तरह का ये अपने इस पूरे एरिया में सप्लाई कर रहे थे। 10 सालों से ये काम कर रहे थे। पूछताछ में इन्होंने और भी ये जानकारी दी है कि ये बेसिकली निगाना निहाल घिरौर थाना मैनपुरी में लगता है, वहाँ पर है, वहाँ से इन्होंने इस तरह की जानकारी दी, वहाँ पर भी इस तरह के काम हो रहे थे और उसी ट्रेनिंग के बाद इन्होंने इस काम को हमारे यहाँ रानीपुर थाना फरिया में शुरू किया था। जो दो लोग हैं उनको हम अरेस्ट बहुत जल्दी कर लेंगे और बाकी इसमें जो सप्लाई के चेन में जो लोग हैं उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।